अब ध्यान कैसे करना है, सोचे ध्यान कैसे करना सवेरे उठ। पहले नतमस्तक होके अपने को अपने हृदय में नत कर, पहली चीज है नत करना है। हम्बल डाउन योरसेल्फ। किसी ने यह सोच लिया कि मैंने बहुत पा लिया या मैं बहुत कुछ बड़ा भारी संत साधु महात्मा हूं, तो समझ लीजिए वो गया, सहयोग से गया। अत्यंत नम्रता पूर्वक अपने हृदय की ओर ध्यान करके नतमस्तक होके फोटो के सामने दोनों हाथ करके शांतिपूर्वक परमिशन लेकर के बैठे। बात बात में क्षमा मांगनी पड़ती है, तो उस वक्त भी क्षमा मांग के कि हमसे अगर कोई गलती हो उसे माफी करके ध्यान में आज हमें उतारिए। इस तरह की प्रार्थना करके जिन्हों से हमने वैर किया है सबको माफ कर देते हैं, और हमने अगर किसी से वैर किया उसके लिए तुम हमें माफ कर दो। अत्यंत पवित्र भावना मन में ला करके और आप ध्यान में जाए। आंख बंद करके और थोड़ी देर ध्यान करें। आप कितने मिनट करें इससे कोई मतलब नहीं होता, यह सवाल पूछना बहुत गलत बात है। आप 5 मिनट करिए और चाहे 10 मिनट करिए, 5-10 मिनट एकाग्रता से आप ध्यान करें। नतमस्तक होकर के आप ध्यान करें, पर ध्यान करने से पहले इसको समझ लें, ध्यान करने से पहले जहां बैठ रहे हैं उस आसन में बंधन दे, अपने को बंधन दे, अपने शरीर को बंधन दे। 7 मर्तबा अपने शरीर को बंधन दे, स्थान को बंधन दे, फोटो को बंधन दे। ये तो हो गया मैकेनिकल बाहर करने का, क्योंकि कुछ कुछ लोग तो यूं यूं कर लेते, हो गया काम खत्म। ऐसी बात नहीं, विचार पूर्वक अत्यंत श्रद्धा से जिस तरह से पूजा में बैठे हैं अत्यंत श्रद्धा से मौन रख के और बंधन दे। उस वक्त में ये नहीं कि जैसे पूजा में लोग कहते हैं भाई वो ले आओ ये ले आओ इस तरह से, और उसके बाद अपने मन को बंधन दे। अब मन कहां होता है? आपने आज तक मुझसे नहीं पूछा कि मां मन कहां होता है। मन यहां होता है, यहां उसकी शुरुआत है। माने विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र को बहुत जबरदस्त बंधन दे, मन को बंधन देना है। और ये विचार करें कि हम प्रभु तेरे ही बंधन में रहे, हमारे ऊपर कोई बुरा असर ना आए, अत्यंत नतमस्तक होकर के। और उस वक्त में ये सोच के कि हम साक्षी हैं और सब चीज से हम अलग हट करके हम निर्मल हैं, उस चीज से हम उससे अछूते हैं, सब चीज से अपने को हटा करके और अब आप बैठ रहे हैं। आप ऐसा प्रयत्न रोज करें, आपको इसी की एक प्रकार से आदत लग जाएगी। अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ध्यान करें सवेरे का समय, चाहे 10 मिनट और चाहे आधे घंटे, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। ध्यान करते वक्त में कुछ हाथ ऊपर नीचे मत करिए। ध्यान करते वक्त में सिर्फ फोटो की ओर दृष्टि रखते रखते आंख को बंद कर लें, और कोई हाथ पैर घुमाने की जरूरत नहीं। उस वक्त कोई सा भी चक्र जो खराब हो उस चक्र की ओर सिर्फ दृष्टि करने ही से वो चक्र ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त मैंने कहा है कि गति ज्यादा रहती है सवेरे के टाइम। अब पहले तो अपने चक्र वगैरह शुद्ध हो गए, उसके बाद अपने आत्म तत्व पर विचार करें या अपने आत्म तत्व आत्मा की ओर चित्त ले जाए। आत्मा कहाँ होता है? किसी ने मुझसे भी नहीं पूछा आज तक कि मां आत्मा कहां होता है।
आत्मा हमारे हृदय में होता है, लेकिन उसकी सीट जो है यहाँ सहस्त्रार के ऊपर में होती है। तो इसलिए मैंने कहा था कि हृदय में नतमस्तक हो और चित्त जो है सहस्त्रार की ओर ले जाके आत्मा के ओर समर्पित हो। विचार से ही आत्मा के ओर समर्पित। आत्म तत्व का इसेंस क्या है? आत्म तत्व जो है वो पवित्रता है। पूरी निर्मल पवित्रता कहिए, उसके ओर नजर करें, वो पूर्णतया अलिप्त है, किसी चीज में लिप्त नहीं। जो भी चीज आपसे लिपटी हुई है उसी के कारण आप आत्मा से दूर हैं। आत्म तत्व का विचार करें। और ये आत्म तत्व प्रेम है। अनेक बार इसका विचार करें, बहुत बड़ा विचार है। आत्म तत्व प्रेम है। बहुत अनेक धर्म संसार में संस्थापित हुए, लेकिन उसमें प्रेम की व्याख्या कोई कर नहीं पाया। इसके कारण उसके अनेक प्रयास हो गए। प्रेम की व्याख्या नहीं हो पाती, लेकिन प्रेम वही शक्ति है जो आपके हाथ से बह रही है। वही चेतना है जिसे लोग चेतना के नाम से जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये प्रेम है। चेतना को वो ऐसी शक्ति समझ लेते हैं जैसे बिजली और पंखा है। नहीं, आत्म तत्व प्रेम है। एक शब्द आप प्रेम कहते ही साथ आपके अनेक बंधन टूट जाए। जितना झूठ है, असत्य है, वो प्रेम के विरोध में है। अगर आप किसी को डांटते भी हैं और उसको सत्य बता रहे हैं तो आप प्रेम कर रहे हैं। आप स्वयं प्रेम हैं। इसलिए प्रेम तत्व पे आप विचार करते ही आप आत्म तत्व में उतर सकते हैं। ध्यान में कोई सा भी एक विशेष विचार नहीं लेने का, लेकिन अब आप कह सकते हो हैं कि मैं वही प्रेम तत्व हूं, मैं वही आत्म तत्व हूं, मैं वही प्रभु की शक्ति हूं। आप इसे कह सकते हैं। इस तरह से दो तीन बार कहते ही आप आशीर्वादित होंगे, क्योंकि आप सत्य कह रहे हैं, आपके अंदर से वाइब्रेशन जोर से चलने लगे। अब रोजमर्रा के जीवन में क्या करना है? रोजमर्रा के जीवन में आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर शक्ति प्रेम तत्व की है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, कि आप प्रेम में कर रहे हैं या दिखाने के लिए कर रहे हैं कि आप बड़े भारी सहयोगी हैं। हम अगर कभी किसी को कोई बात कहते हैं या डांटते हैं तो हम देखते हैं कि दूसरे दिन वो आकर के सहयोगियों में बैठ करके हमें गालियां देते हैं लोग, और उसके बाद कहते हैं कि हमारे वाइब्रेशन क्यों चले गए। तो इस तरह की अगर आप मूर्खता करते हो तो बेहतर है कि आप लोग सहयोग में नहीं आए। सहयोग में वही आदमी आ सकता है और चल सकता है जो कुछ लेना चाहता है। उसको देने का कोई भी अधिकार नहीं है, उसको लेना ही है हमसे। वो अगर देना चाहेगा, उसकी वो शक्ति जब हो जाएगी तो बहुत ही बढ़िया चीज हो जाएगी। लेकिन आप तभी दे पाते हैं जब आप ले पाते हैं। इसलिए पहले लेना सीखिए। हमारे अंदर क्या दोष है, रोज के जीवन के इसमें आप देखते चले कि हम क्या चीज दे रहे हैं। हम प्रेम दे रहे हैं क्या? हम स्वयं साक्षात प्रेम में खड़े हैं? हम सबसे लड़ते हैं, सबसे झगड़ा करते हैं, सबको परेशान करते हैं और हम सोचते हैं कि हम सहयोगी हैं। इस तरह की गलत फहमी में नहीं रहना। अपने साथ पूर्णतया दर्पण के रूप से रहना चाहिए, माने अपने को पूरी समय देखते रहिए। समझ लीजिए हमारे माथे में कोई चीज लग गई
तो आप बताएंगे माता जी आपके सर में कुछ लगा, इसको पोछ लीजिए। इसी प्रकार आप अपने को देखते रहें कि देखिए हमारे यहां पर ये चीज लग गई है, इसको हम पोछ लेते। रोजमर्रा के जीवन में आपका जीवन एक उज्जवल होना चाहिए, आपके मुख पे कांति आनी चाहिए, आपके व्यवहार में सुंदरता आनी चाहिए, आप प्रेममय होना चाहिए। फूट फूट के जैसे अगर आप बिल्कुल ही रसहीन हो तो आप सहयोगी नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। जबरदस्ती के आप सहयोगी बने हैं, वो भी हम आपको चला रहे हैं इसलिए आप बैठे हुए हैं, नहीं तो हमें आप माफ कर दें और आप सहयोग में ना आए, थोड़े दिन में आप खुद ही निकल जाएंगे। इस तरह के लोग जिनमें प्रेम नहीं है, जो अपने को सोचते हैं कि हम बड़े बढ़िया आदमी हैं और बड़े कमाल के आदमी हैं और ये है वो है, वो बिल्कुल सहयोग के लिए व्यर्थ। ऐसे लोगों को चाहिए कि जाएं दूसरे गुरुओं के जूते खाएं और वहां रहें। यहां पर सहयोग में आप परमात्मा के एक इंस्ट्रूमेंट बनने आ रहे हैं। अत्यंत नम्रता आपके अंदर होनी चाहिए, अत्यंत नम्रता, आपको घमंड छोड़ना चाहिए। लोग कहते हैं कि संन्यास लेना चाहिए, मैं कहती हूं पहले घमंड से आप संन्यास लीजिए, क्रोध से आप संन्यास लीजिए, कपड़ों से नहीं लीजिए। कपड़े उतार देने से कोई संन्यास नहीं होता है, संन्यास का अर्थ होता है अपने क्रोध काम मोह मद मत्सर आदि शत्रुओं से एक संन्यास लेने को ही संन्यास कहते हैं, संन्यास्त। ऊपरी संन्यास की बातचीत नहीं है। तो अपने रोज के व्यवहार में अत्यंत शांति से, सबसे प्रेम से व्यवहार करें, अपने बाल बच्चे घर वाले इनसे सबसे सहयोग की बातचीत करें, सहयोग पर विवरण करें, अपने दोस्त बदलिए, अपना उठना बैठना बदलिए, ये आपके रिश्तेदार हैं, ये आपके सगे हैं, इनसे बातचीत करें, इनसे बोलें और ये लोग आपको बताएंगे कि हम लोग एक नई दुनिया में आ गए और हमारे पास एक नए वाइब्रेशन है। जब भी आप सफर करें, कहीं बाहर जाएं, किसी गांव जाना है, ये बता रहे थे अभी राहुरी से आए कि हम अपने साथ में जैसे सब लोग लेकर चलते हैं चीजें अपने ट्रैवलिंग की, वैसे हम अपने साथ में थोड़ा सा तीर्थ, वो मेरे पैर के पानी को तीर्थ कहते हैं, तीर्थ और कुंकू और ये सब वाइब्रेटेड हम लेके चलते हैं। रास्ते में कोई आदमी बीमार दिखाई दिया, चलो उसको तीर्थ पिला दिया, कोई आदमी ने धर्म की चर्चा की, उसको फोटो दिखा दिया, देखो भाई ये माता जी है और तुम चाहो तो उनको पार कर सकते। जहां जो आदमी मिल जाए वो अपने साथ रखे रहिए, अच्छा चलिए आपको हम कुंकू लगा देते हैं, देखिए आपको कैसे लगता है, ये हमारी माता जी। पूरी समय दिमाग इधर उधर दौड़ता रहे कि सहज योग को किस तरह से हम प्लावित अपने जीवन से कर सकते हैं, उसी समय आप देखिए कि आप बहुत गहरे उतर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि सहज योग में सिर्फ ऐसे आते हैं जैसे मंदिर में आए चले गए और फिर उसका दुष्परिणाम हमेशा आएगा। यहाँ पे ऐसे लोग हैं अभी बैठे हुए कि जिन्होंने जब से सहयोग से पार हुए हैं तब से कोई उनको एक बीमारी नहीं है, महाबीमार थे उनको कभी बीमारी नहीं, एक बार भी वो डॉक्टर की सीढ़ी नहीं चढ़ी, कभी उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, उन्होंने एक दवा नहीं ली जब से वो सहयोग में आए, बुढ़े भी हैं उनमें से कुछ जो हमेशा डॉक्टर के पास जाते थे और अस्पतालों में घुमा करते थे वो सब कभी भी नहीं गए। ऐसे यहां बहुत से अनेक उदाहरण, इतना ही नहीं पर उन्होंने दूसरों की भला किया। इसका कारण यह है कि जो कुछ भी स्वास्थ्य के लिए एक सहयोग के लिए आवश्यक है वो करते रहे और इस वजह से वो ठीक।